डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड मूवी आदि पुरुष का जिस दिन टीजर रिलीज हुआ उसी दिन सारे ट्रोलर्स उन पर भूखे गिद्ध की तरह टूट पड़े और मूवी के VFX को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना करी। इतना पोस्टमार्टम किया गया पुअर VFX को लेकर कि अब आदि पुरुष के मेकर्स खाली बैठे हैं और मूवी के रिलीज डेट को पोस्टपोन करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सलमान खान ने बहुत फ़ायदा उठाया और वो गलती दोबारा दोहराने की वजह पर टाइगर 3 को पोस्टपोन कर दिया। सो दिस वाज द रियल रीजन टू पोस्टपोन टाइगर 3। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा कि सलमान खान ने अचानक से टाइगर 3 और किसी का भाई किसी का जान को क्यों आगे पोस्टपोन कर दिया, लेकिन असली रीजन था VFX। बिकॉज आजकल ब्रह्मास्त्रा के बाद जिस तरह की मूवीज आ रही हैं VFX को लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन में है क्योंकि उनको हॉलीवुड की बड़ी बड़ी VFX मूवी का एक्सपोजर मिल रहा है। ऐसे में कंपेरिजन लाजमी है। एज वी टोल्ड यू टाइगर 3 के एक्शन सिक्वेंसेज को बड़े लेवल पर प्लान किया गया है। थोड़े जटिल किस्म की सिक्वेंसेज हैं मगर तय समय पर इसका VFX पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आदित्य चोपड़ा सलमान खान ने आपस में डिस्कस करके मूवी को आगे दिवाली पर शिफ्ट कर दिया। वैसे भी इसके मेकर चाह रहे हैं कि इसकी हर संभव कोशिश हो कि बहुत ही अच्छी विजुअल के साथ मूवी बने, बिकॉज इसके जो क्लाइमैक्स हैं, इसके जो प्री क्लाइमैक्स के सीन हैं, स्टंट्स एक्शन हैं, बहुत हॉलीवुड लेवल के हैं और उनके लिए VFX ग्रीन स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी सारा हड़बड़ी के चक्कर में गुड़गोबर हो सकता है जैसा आदि पुरुष के मेकर्स ने किया, इसीलिए आदित्य चोपड़ा की सलाह सलमान खान के समझ में आ गई और दोनों मूवी पोस्टपोन हो गई। यानी किसी के भाई किसी की जान अब क्रिसमस 2022 की जगह पर आगे ईद पर रिलीज होगी और टाइगर 3 दिवाली पर रिलीज होगी। इससे फायदा ये होगा कि इनकी दोनों मूवी को एक्स्ट्रा एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम मिल जाएगा जहां पर जल्दबाजी ना हो, बिकॉज मोस्टली फिल्में एडिटिंग टेबल पर ख़राब होती हैं। जहां पर पोस्ट प्रोडक्शन में काम आता है वहां रिलीज डेट का प्रेशर बहुत हाई होता है और वहीं पर उसकी एडिटिंग, सॉन्ग कंपोजिशन, एडिटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक सब पर प्रेशर होता है। तो यहां पर इन दोनों मूवी को प्रॉपर विंडो मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा ताकि मूवी अच्छे से डिजाइंड हो और पब्लिक के सामने बहुत ही इंटरनेशनल स्कैन पर निकल कर आए। इसके अलावा टाइगर 3 का एक बहुत बड़ा हिस्सा छूटा हुआ है, वो है SRK का कैमियो सीक्वेंस जो कि अभी तक शूट ही नहीं हुआ है। और पठान में जिस तरह लोग सलमान खान का वेट कर रहे हैं वैसे ही टाइगर 3 में पठान की एंट्री का बेताबी से इंतजार हो रहा है और टाइगर 3 में एक्शन पैक्ड सीक्वेंस में नजर आने वाले हैं पठान। वो हिस्सा बहुत ही स्पेशली यशराज स्टूडियो में शूट करना था बट किसी वजह से होल्ड हो रहा है। ऐसे में दोनों ही चीज़ें YRF की स्टूडियो में हो रही हैं, पहला इस मेगा एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी का भारी भरकम VFX और दूसरा पठान की एंट्री का बहुत ही सॉलिड सीन। अभी दोनों चीज़ें बन जाएं तब मेकर्स को लगेगा प्रोडक्ट डिलीवर करने लायक है, वरना 350 करोड़ की पिक्चर बहुत ही गई भैंस पानी की तर्ज पर डूब सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा इंतजार पब्लिक के लिए वर्दी हो क्योंकि पब्लिक काफ़ी टाइम से टाइगर 3 का वेट कर रही है और टाइगर की दहाड़ को सुने हुए अरसा हो गया। वैसे भी सलमान खान पिछले 2 मूवीज में खासे दहाड़ नहीं पाए हैं, ऐसे में टाइगर 3 और पठान में उनकी कैमियो से उम्मीदें हैं। अगर ये दोनों फिल्में भी डिले होती रहीं और टाइम पे नहीं आईं या फिर सही क्वालिटी के साथ पब्लिक के सामने नहीं आई तो पब्लिक कहीं ना कहीं सलमान खान से मायूस हो जाएगी और आजकल जिस तरह बायकॉट का ट्रेंड है ऐसे में SRK के बाद सलमान खान का नंबर भी आ सकता है। सो इट्स अ वार्निंग फॉर सलमान खान और ये अच्छी बात है कि क्वालिटी की वजह से मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा है, इट मीन्स बॉलीवुड इज सीरियस अबाउट देयर मूवीज। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।